महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे बनाम शिवसेना की जंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे की शिवसेना हर दिन नेताओं की बगावत से टूट रही है, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का गुट दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। बावजूद इसके एकनाथ शिंदे अभी तक अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाए, न ही उन्हें शिवसेना के चुनाव चिन्ह का कब्जा मिल पाया। इसके अलावा शिंदे गुट में भी बगावत होने के आसार शिवसेना द्वारा जताया गया है। ऐसे में अब एकनाथ शिंदे पूरी तरह शिवसेना को हाईजैक करने के मूड में नजर आ रहे हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे ने बुधवार को केंद्रीय चुनाव आयोग को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने ये मांग की कि उनके संगठन को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी जाए। इसके अलावा शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण भी उन्हें दे दिया जाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नजर अब प्रतिनिधि सभा पर है। शिवसेना पार्टी में सबसे मजबूत माने जाने वाली प्रतिनिधि सभा में 282 सदस्य हैं। अब इन सदस्यों की दो तिहाई संख्या यानी 188 सदस्यों को तोड़ने की तैयारी में शिंदे जुटे हुए हैं। यदि वो इस मिशन में कामयाब हो जाते हैं तो शिवसेना और उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। सिर्फ सांसद और विधायक के बंटवारे का मतलब पार्टी में बंटवारा नहीं होता। दल बदल कानून के मुताबिक इसके लिए संगठन में भी विभाजन का होना जरूरी है। ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे प्रतिनिधि सभा के 188 सदस्यों का समर्थन हासिल कर लेते हैं, तो ये पूरी पार्टी में विभाजन के दावे को और भी मजबूत करेगा, जिसके बाद शिंदे अपनी योजनाओं के मुताबिक शिवसेना पर आसानी से नियंत्रण पा सकते हैं। हालांकि शिवसेना भी इस बात से अनजान नहीं है। इस खतरे को भांपते हुए उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने संगठन को फिर से मजबूत करने की कवायद भी शुरू कर दी। शिवसेना के संविधान में पार्टी प्रमुख को लेकर शाखा प्रमुख तक कुल 13 अलग अलग पद हैं, जिसमें विधायक, सांसद, जिला प्रमुख, जिला संपर्क प्रमुख और विभाग अध्यक्ष मिलाकर एक प्रतिनिधि सभा का हिस्सा होते हैं। इस प्रतिनिधि सभा में 282 सदस्य होते हैं। वही राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुल 14 सदस्यों में से 9 सदस्यों को निर्वाचित होने का अधिकार है, जबकि 5 सीटों के सदस्यों का चयन पार्टी प्रमुख द्वारा किया जाता है। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।